हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, एंड गेस्ट भी कह लो, ये एक पंजाबी ट्रेडिशन है। जब किसी की नई नई शादी हुई होती है तो जो उनके क्लोज वन होते हैं, लाइक लड़की के मामा, लड़की के मतलब जितने भी क्लोज वन है, मामा, मासी, बुआ वगैरह, लड़के वालों और लड़की वालों के दो, वो कपल को इनवाइट करते हैं। तो वो जो मैंने अभी वीडियो डाली थी भाई की शादी, तो आज हम लोगों ने उन्हें इनवाइट किया है। वो इन शॉर्ट मेरे हस्बैंड की मौसी के बेटे हैं, या तो उन वो बड़े हैं मेरे हस्बैंड से, सो मेरे जेठ लगते हैं। तो उन्हें आज हमने इनवाइट किया है। एक्साइटेड हूँ, भाभी आज पहली बार हमारे घर आएंगी। और मतलब इसमें ये चीज़ होती है, मुझे भी नहीं पता था, जब मेरी नई नई शादी हुई तो मम्मी ने मुझे एक दिन कहा कि प्रीत तैयार हो जाओ, हमें आज लंच पे जाना है किसी के। ओके, आई वाज लाइक फाइन। तो मैं नॉर्मली रेडी हो गई। अब मैं शुरू से सूट वगैरह तो ज़्यादा डालती नहीं थी, तो मैंने नॉर्मल सूट डाला एंड नॉर्मली मैं रेडी हो गई। तो मम्मा सेड नो नो, ऐसे नहीं जाते वहाँ, वहाँ हमें फुली, स्पेशली जो लड़की है सिर्फ उसे फुली रेडी होना है, ऑल गोल्ड। लगता है क्योंकि हम एक गेट टुगेदर में बैठे हैं और सिर्फ वहाँ पे लड़की होती है जो फुली हैवी डाली होगी, बाकी सबने नॉर्मल डाला, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। मेरे लिए तो बहुत अजीब था। मुझे बताओ अगर आप लोगों के लिए नॉर्मल रहा हो, या ये सिर्फ पंजाबी फैमिलीज में या सब में होता है, क्योंकि मेरे लिए तो इतना हेडेक था उस टाइम। सो हम कुछ सामान लेने आए थे बाहर, और आज आई मीन अराउंड 6 मंथ्स के बाद मैं और मेरे हस्बैंड गोलगप्पे खाने लगे। शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि जब हम लोग गोलगप्पे खाने ना आए, और लॉकडाउन के बाद तो हमने खाने ही छोड़ दिए। बट आज हम, आज संडे है और आज हमारा चीट था, हमने सोचा है कि हम एक प्लेट लेंगे और तीन तीन खाएंगे, ज्यादा नहीं हम खाएंगे। तो ये गोलगप्पे आ रहे हैं। सो फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं और गोलगप्पे खाते हुए व्लॉगिंग इम्पॉसिबल, मतलब इतना एंजॉय किया मैंने इतने दिनों के बाद उसे, आई कांट इवन एक्सप्लेन। पर यार एक चीज़ है, गेस्ट हमारे घर कोई भी आए, लिपस्टिक मुझे पता नहीं क्यों डार्क करनी, फिर मुझे भेजा गया है कि अपनी लिपस्टिक डार्क करके वो लोग आने वाले हैं। और मेरी एक तो मुझे इतनी गंदी आती है, मैं अपनी लिपस्टिक खा जाती हूँ, मतलब अगर मैं कुछ भी खा रही ना ऐसे कर करके, तो मैं अपनी सारी लिपस्टिक खा लेनी, तो मुझे हर थोड़ी देर बाद भेजा जाता है अपनी लिपस्टिक डार्क करने के लिए। आफ्टर ऑल मेरी भी नई नई शादी हुई है। लिपस्टिक तो डार्क हो चुकी है एंड गेस्ट भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं, सो लेट्स गो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। किचन की हालत कुछ इस टाइम है, इस तरीके की है, यहाँ पकौड़े बनेंगे, यहाँ पे भी पकौड़े बनेंगे, और यहाँ चाय चढ़ चुकी है। वाओ, thank you.
सो फाइनली अब टाइम मिला, क्योंकि तब से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर रहे थे, बीच में चिट चैट्स काफ़ी इंजॉय किया. सो अब फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, वो लोग अभी कर रहे हैं, फिर हम लोग करेंगे डिनर. आई एम टू टायर्ड. सो लेट्स सी मामा क्या कर रहे हैं, डिनर की प्रिपरेशन देखते हैं, लेट्स गो. सो ये किचन की हालत है इस टाइम, मम्मी सब कुछ डाल रही हैं एंड आंटी रोटी बना रही हैं. फाइनली डे ओवर, अच्छा गया, सब कुछ बहुत परफेक्ट गया. बट सॉरी मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला यार, मम्मी के साथ बहुत सारी हेल्प करें, आफ्टर ऑल बहू इस घर की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे पे. सो यार बस सारा काम करते करते अब जा अराउंड 10 हो गए हैं एंड अभी मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है बिकॉज कल मैं जा रही हूँ. नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ. या अभी मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है और काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरे इस नाइट सूट के बारे में, सो आई शो यू. एंड गाइस ये नाइट सूट किसी ब्रांड का नहीं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज करके पूछते कि नाइट सूट आपने कहाँ से लिया. ये फैब्रिक एक्चुअली मैंने कहीं से लिया था और इसे अपने पुराने H&M के नाइट सूट को टेलर को देके सेम कॉपी करवाया है एंड इट्स सो कम्फी, आई जस्ट लव इट, स्पेशली द प्रिंट. आई डोंट नो, ये मुझे एकदम लाइक कह लो इतफाक से मिला था, बट आई रियली लव इट, माई फेवरेट नाइट सूट. एनी वेज मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टायर्ड और अभी मुझे अपनी पैकिंग ख़त्म करनी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू.